25 अक्टूबर को सासाराम रेलवे स्टेशन के निजीकरण को लेकर छात्रों द्वारा आयोजित आंदोलन में गिरफ्तार हुए छात्रों की रिहाई को लेकर इनकलाबी नौजवान सभा एवं आयशा ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सासाराम के रोजा रोड स्थित मौर्या होटल में किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के मनोज मंजिल ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। पुलिस प्रशासन बेगुनाह छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बिना कोई शर्त के सभी छात्रों को रिहा करें। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों की रिहाई नहीं की गई तो जल्दी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या किस मकसद को लेकर, क्या मुद्दा है? 25 अक्टूबर को रेलवे के निजीकरण के खिलाफ में हजारों छात्रों की सासाराम रेलवे स्टेशन पर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को कुचल डालने के लिए सरकार ने जो लाठी का सहारा ली है, जो जेल का सहारा ली है, उसके ये खिलाफ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। गिरफ्तार तमाम छात्रों की बिना शर्त रिहाई की हम मांग करते हैं। और यहाँ जो पूरा धरपकड़ शुरू है, स्टूडेंट्स लॉज हॉस्टल छोड़ करके घर जा रहे हैं, परीक्षा का समय है, तत्काल धरपकड़ पर रोक लगाई जाए और निजीकरण का जो इनका परियोजना है उस परियोजना पर रोक लगाया जाए। चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा नियुक्ता है हमारा भारतीय रेल, जहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, यहाँ रिक्त पद हैं लाखों, 2 लाख से ज़्यादा, तत्काल इसकी रोक लगाई जाए। तेजस ट्रेन सरकार कह रही है कि प्राइवेट जो ट्रेन चल रही है उसको अगर लेट होगा तो हमको पैसा वापस करेंगे। इसका मतलब है कि सरकारी ट्रेन को रोक करके आप प्राइवेट ट्रेन को चलाएंगे, जिसमें ज़्यादा भाड़ा देना पड़ेगा और हमारे देश में जो छात्र युवा हैं देश भर में भटकते रहते हैं परीक्षा देने के लिए, वो कल किस तरह से तो फॉर्म भर पाते हैं, कल परीक्षा की भाड़ा के वजह से वो वंचित।